असम में बाढ़ से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो डराने वाला है। असम में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की बाढ़ से जान चली गई। सूबे में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 159 पहुंच गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को बाढ़ के कारण 12 और लोगों की मौत हो गई थी। असम में बाढ़ की वजह से स्थिति बेकाबू हो गई है। कछार के ग्रामीण इलाके में पीने के पानी का संकट भी पैदा हो गया है, लिहाजा ग्रामीण बाढ़ का पानी पीने के लिए मजबूर है। स्थानीय लोगों को राशन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आटा, चावल, तेल, दूध जैसे चीजों के लिए लोग भटक रहे हैं, क्योंकि दुकानों में ये उपलब्ध ही नहीं है। पानी के टैंकर की मदद से लोगों को पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। असम के 20 से ज्यादा जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं, जबकि खेतों में तैयार फसल बर्बाद हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ताजा बुलेटिन के मुताबिक कछार जिले का सिलचर शहर पिछले 10 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिससे मुख्य मार्गों से संपर्क टूट चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग जान हथेली पर रखकर चलने को मजबूर हैं। भीषण बाढ़ से जिले के हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई है। कहां खेत है, कहां घर है, ये कहना इन तस्वीरों को देखकर बहुत मुश्किल है। असम में बाढ़ के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि कई जगह हेलीकॉप्टर की मदद से भी सेना के जवानों ने फूड पैकेट पहुंचाए हैं।